हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आप सभी के लिए बनाने जा रही हूँ मज़ेदार पापड़ की सब्जी। रेसिपी जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। पापड़ की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर चार पापड़ लिए हैं। आप इसका साइज़ देख सकते हैं, मीडियम साइज़ के मेरे पापड़ हैं। आप इसकी जगह कोई भी साइज़ और आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग पापड़ ले सकते हैं। गैस पर मैंने तवा लिया है, इस पर हम पापड़ को सेक लेंगे। इस तरह से हमें कोई कपड़ा लेना है और उससे हमें इस तरह से दबाते हुए इसे सेक लेना है। ये देखिए, इस तरह से करते हुए पापड़ जो है वो एकदम अच्छे से सिक गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। या फिर फ्रेंड्स, आप पापड़ को इस तरह से डायरेक्ट भी सेक सकते हैं। जो तरीका आपको ज़्यादा आसान लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो आप कर सकते हैं। सभी पापड़ हम इसी तरह से सेक करके तैयार कर लेंगे। सभी पापड़ को अच्छे से सेक लेने के बाद इन पापड़ को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है और ना ही ज़्यादा बड़े टुकड़े रखने हैं। आप देख सकते हैं, इस साइज़ के हमें टुकड़े कर लेने हैं। अब हम गैस पर एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसे हम गर्म होने देंगे। तेल एकदम अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे जीरा आधा चम्मच। जीरे को अच्छे से चटकने देंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच लहसुन। मैंने यहाँ पर 6 से 7 कलियाँ लहसुन के ली है, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। लहसुन को हम हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं, जो जीरा है वो एकदम अच्छे से चटक गया है और जो लहसुन है वो हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़ा प्याज, जिसे मैंने एकदम बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को हम हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। तब तक हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैंने एक चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है, लगभग 7 से 8 कलियों का। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप मिर्ची कम खाते हैं तो आप इसमें कम लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे धनिया, 1.5 टेबलस्पून धनिया ऐड किया है मैंने यहाँ पर। स्वादानुसार नमक ऐड कर लेंगे, मैं यहाँ पर 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, लगभग 3 से 4 चम्मच ही पानी ऐड करना है। पानी ऐड कर लेने के बाद हम इन सभी मसालों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मसालों का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। प्याज हल्के ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 हरी मिर्चें, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। हरी मिर्च को भी हम प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। लगभग 1 मिनट तक हमें इसे और फ्राई कर लेना है। दोस्तों, प्याज और हरी मिर्च एकदम अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसालों का पेस्ट जो हमने बना करके तैयार किया था। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे। अब हम सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसे हमें लगभग 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देना है। ये देखिए, सभी मसाले एकदम अच्छे से फ्राई हो गए हैं, मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। मैं यहाँ 1/4 कप दही ऐड कर रही हूँ। दही ऐड करने के बाद हमें इसे तुरंत इस तरह से मिलाते रहना है, बीच में रुकना नहीं है। गैस की फ्लेम को फुल रखना है इसे मिलाते हुए। इसमें हमें उबाल आने तक इसे इस तरह से मिलाते हुए पका लेना है। उबाल आ जाने के बाद गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे हम लगभग 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। ये देखिए, उबाल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे पकने देंगे। ये देखिए, हमने इसे लगभग 4 से 5 मिनट तक पका लिया है। उसके बाद जो दही है वो एकदम अच्छे से पक गई है, मसाले भी एकदम अच्छे से भून गए हैं, मसालों ने एकदम अच्छे से तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। पानी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पतली या फिर गाढ़ी सब्जी बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। इसको हम उबलने देंगे, जब तक इसमें उबाल आ जाए तब तक हम इसे पकने देंगे। उबाल आने के बाद हम इसमें पापड़ डालेंगे। ये देखिए, पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पापड़, जिसे हमने तोड़ करके सेक करके तैयार किया हुआ था। इसमें हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी मसालों में। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। दोस्तों, जब सभी मार्केट बंद हो और आपको समझ ना आए कि क्या सब्जी बनाई जाए, आपके घर में सब्जी भी ना हो, तब आप इसे बना सकते हैं। इसकी बहुत ही बढ़िया सब्जी बनती है और ख़ास बात यह है कि ये काफ़ी कम समय में बनकर के तैयार हो जाती है।
साथ ही अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर देंगे, जिससे सब्जी का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। आप इसकी जगह किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डाल देने से सब्जी बहुत ही बढ़िया बनती है और इसका जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही अच्छा आता है सब्जी में। हरे धनिया को हम सब्जी में एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे हरा धनिया डालने के तुरंत बाद। और ये लीजिए दोस्तों, ये सब्जी बनकर के तैयार हो गई है। बहुत ही बढ़िया लाजवाब सब्जी बनी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। दोस्तों, जब भी आपको समझ ना आए कि किसकी सब्जी बनाई जाए, तो आप इस सब्जी को आसानी से मिनटों में बना करके तैयार कर सकते हैं और ये सभी को बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये पापड़ की रेसिपी? अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाती रहूं। तो चलिए दोस्तों, आप इस स्वादिष्ट सब्जी का मज़ा लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।